मीना सान कोनिचिवा गाइस, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी जापनीज लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स का जो लास्ट चैप्टर है वो करने वाले हैं। तो जो बाकी के चैप्टर है वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तो इस चैप्टर को हम आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मैं नाम रोहित, आप देख रहे हैं डूनो देवा हाजी मामा शो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट पैटर्न से शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पैटर्न है वो है वर्ब की नाई फॉर्म में से नाई कट करके आपको ना करेबा नारी मासेन ऐड कर देना है। समझे ना, वर्ब की नाई फॉर्म में से नाई कट कर देना है। जैसे मैं बोलूँ नोमी मास, तो नोमी मास की नाई फॉर्म हो जाती है नोमा नाई। तो नोमा नाई में से नाई कट कर किया, नाई कट कर दिया, बचा नोमा। तो नोमा ना करेबा नारी मासेन ऐसे ऐड कर देना है। तो यहाँ पर इस पैटर्न का जो मतलब है वो है मस्ट डू या फिर हैव टू डू समथिंग। तो यहाँ पर मस्ट डू यानी कि कुछ काम करना जरूरी है, या फिर हैव टू डू या फिर कुछ काम करना पड़ता है। तो हिंदी में समझिए आप, तो सेंटेंस की मदद से समझते हैं। ओके, सेंटेंस है गाय कोकू रोकोनो तो की अपासपो तो मोते कना करे बना रहे मासे। लाइक यहाँ पर कि गाय कोकू जब हम फॉरेन ट्रिप के टाइम पासपोर्ट को कैरी करना, पासपोर्ट को लेकर जाना मतलब मस्ट होता है। इकना करेबा नारी मासेन, पासपोर्ट को लेकर जाना मस्ट होता है जब हम फॉरेन ट्रिप के लिए जाते हैं कहीं पे, ठीक है। सेकंड वाला सेंटेंस है हितोरी दे कोनो नी मोत्सु ओ हाको बना करेबा नारी मासेन, कि हितोरी दे अकेले ही आपको इस लगेज को कैरी करना मस्ट है, कैरी करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है इत्सुमो केन को नी चुई सीना करेबा नारी मासेन, कि हमेशा आप अपनी हेल्थ के प्रति केयरफुल रहिए, मस्ट है रहना। ओके, तो ऐसे आपको इस पैटर्न का यूज़ करना है। यहाँ पे नेक्स्ट है ई एडजेक्टिव के साथ कैसे ना करेबा नारी मासेन को चेंज करना है। तो यहाँ पर ई का जो है ई एडजेक्टिव है, जैसे तकाई, तो तकाई का हमें क्या कर देना है, ई को हटा करके कू लगा देना है, या फिर कह लीजिए कि ई को कू में चेंज कर देना है। जैसे तकाई तो तकाकू ना करेबा नारी मासेन, ऐसे सेंटेंस क्या है कि तोशो शित्सु नो देंकी वा अकारू कू ना करेबा नारी मासेन। तो देखिए तोशो शित्सु मतलब लाइब्रेरी की जो लाइट है वो अकारू को मतलब ब्राइट, अकारू ही मतलब ब्राइट, तो अकारू को ना करे बना रहे मासेन की ब्राइट होनी चाहिए, ब्राइट होनी जरूरी है, तभी तो वहाँ पर एक फोकस हम ध्यान लगा के पढ़ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है होकेन शो नो नैन सही नैन लप्पी व तदासी को ना करे बना रहे मासेन, कि होकेन शो होता है जो आपका इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है सही नैन गप्पी व तदासी को ना करे बना रहे मासेन, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर ना एडजेक्टिव के साथ आपको ना करेबा नारी मासेन कैसे लगाना है। तो ना एडजेक्टिव में क्या करना है, आपको सिंपली ना को हटा करके दे लगा देना है, ठीक है, ना को हटा करके दे लगा देना है। जैसे किरई ना, तो किरई दे, किरई दे, और ना उनके साथ क्या करना है, ना उनके साथ आपको सिंपली दे लगा देना है, वहाँ पर कुछ हटाने लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि सेन से नी हनासु कोतो बा वा ते नहीं दे ना करेबा नारी मासेन, कि सेंसे नहीं, सेंसे से जो बात करने वाले हमारे वर्ड है, सेंसे से हनासु कोतोबा मतलब यूज़ करने वाले जो वर्ड है उनके सामने वो ते नहीं मतलब पोलाइट होने जरूरी है, मस्ट है, ते नहीं दे ना करवा नारी मासेन। नेक्स्ट है गाक से शो नो शाशिन व अतराशी मोनो दे ना करवा नारी मासेन, ठीक है। तो गाक से शो जो स्टूडेंट आई कार्ड होता है उसमें जो फोटो है वो अतराशी मतलब न्यू होनी जरूरी है, मस्ट है, अतराशी मोनो दे ना करे बना रही मासेन। अब यहाँ पर उन्होंने मोनो लगा दिया तो यहाँ पर नाउन बन गया। अब अतराशी लगाएंगे तो हम यहाँ पे अतराशी कु बोल सकते हैं, हम अतराशी कु ना करे बना रही मासेन, समझ गए। तो ऐसे आपको यहाँ पर ना करे बना रही मासेन का यूज़ करना है। गाइस, नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो है ना कुतेमो ईदेस या कमाई मासेन। अब यहाँ पर अगर हम ना करे बना रही मासेन में कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे कि ये कुछ करना मस्ट है क्या, तो आपको जब अगर आंसर यस में देना है तो आप ना करेबा नारी मासेन ही करके आंसर देंगे सिंपल। अगर आपको उसी का आंसर नेगेटिव में देना है, नहीं करके देना है कि नहीं ऐसा करना मस्ट नहीं है, तो आपको ये वाला पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखने की है बस थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब की नाई फॉर्म में से नाई कट करके ना कुतेमो लगा देना है। अब उसके बाद आप ई देस लगाएं या फिर कमाई मासेन लगाएं, वो आपकी मर्जी। सेंटेंस क्या है यहाँ पे कि गाक सेवा होकेन, सॉरी केन को होकेन नी हायरा ना करेबा नारी मासेन का। अब यहाँ पे नारी मासेन करके क्वेश्चन पूछा कि जो स्टूडेंट का जो हेल्थ इंश्योरेंस है होकेन शो, वो होना मस्ट है क्या,
जरूरी है क्या, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस? तो आंसर किया ये हायरा ना कुतेमो ईदेस, कि नहीं, हायरा हायरीमास, यहाँ पे हायरीमास वर्ब यूज़ की, तो आपको उसी का नेगेटिव करके ना ही हटा करके कुतेमो ईदेस लगाइए या फिर कमाए मासे लगाइए। लाइक यहाँ पर हम बोल भी सकते हैं कि ये हायरा ना कुतेमो ईदेस या फिर ये हायरा ना करेबा, सॉरी हायरा ना कुतेमो कमाए मासे, जैसे यहाँ पर सेकेंड लाइन में दे रखा है, ऐसे आपको देखना है। नेक्स्ट है गाइज, यहाँ पर ई एडजेक्टिव के साथ आप कैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देंगे, तो ई करके कैसे आंसर देंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्यों शित्सुदे सुकाऊ तेपु व अतराशी कुना करे बनारी मासन का, कि क्लास में यूज़ करने वाला जो टेप रिकॉर्डर है वो अतराशी नया होना मस्ट है क्या, जरूरी है क्या? तो आंसर किया ये नहीं, अतराशी कुना कुतेमो ईदेस, तो अतराशी कुना कुतेमो ईदेस। अब यहाँ पे क्या करना है, अतराशी का जो ई है वो हटाइए और कुना कुतेमो लगा करके ईदेस लगाइए या फिर कमाई मासन लगाइए, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है गाइस, ना एडजेक्टिव और नाउन के साथ कैसे ट्रीट करना है। तो जैसे हमने वहाँ पे देखा था, ना को हमने दे में कन्वर्ट किया और नाउन को साथ ए लगा दिया हमने, ऐसे ही यहाँ पे करना है कि साइन व रोमा जी दे ना के बना रिमास इनका, कि साइन जो है रोमा जी में करने मस्ट है क्या, तो उन्होंने बोला ये नहीं, आंसर किया ये नहीं, रोमा जी दे ना कुतेमो ईदेस, कि रोमा जी में ना होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी चलेगा, तब भी नो प्रॉब्लम, ओके। तो आपको ऐसे देखना है। नेक्स्ट गाइज, हमारा थर्ड पैटर्न वो है तेमो ना कुतेमो दोचिरा देमो ईदेस, कि ये करो या ना करो, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी है, सब कुछ अच्छा है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है कि गाक सेवा केन को हो केन नी हाइतेमो हायरा ना कुतेमो दोचिरा देमो ईदेस, कि जो स्टूडेंट्स है वो केन को हो केन, जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे या ना ले, कुछ भी करे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी करे मतलब अच्छा है, कि ले या ना ले वो उनके ऊपर डिपेंड है, ना ले तो भी अच्छा है, ले तो भी अच्छा है, ऐसे करके हमें मीनिंग समझना है कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा क्यों चित्सुदे सुकाउ तेपू व अतराशी कुतेमो अतराशी कुना कुतेमो दोचिरा देमो ईदेस, कि जो क्लास में यूज़ करने वाला जो टेप रिकॉर्डर है वो नया हो या ना हो, तो कुछ भी हो सही है, ठीक है, दो चिरा देमो कुछ भी हो सही है, ठीक है। तो दोनों में से दो चिरा देमो मतलब दोनों में से नया हो या पुराना हो, कैसा भी हो चलेगा, तो वो कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट है साइन वा रोमा जी देना कुतेमो दो चिरा देमो ईदेस, कि साइन रोमा जी में करो या ना करो, वो तुम्हारी मर्जी है, दोनों में चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब फोर्थ पैटर्न है हमारा, फोर्थ पैटर्न में हमारा क्या है, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म या वर्ब की ता फॉर्म तो की वर्ब कि सेकंड मतलब कुछ भी लगा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अब देखने वाली बात ये है कि हम यहाँ पर वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म लगा रहे हैं, वर्ब की ता फॉर्म लगा रहे हैं, ओके। तो ये जो वीडियो है इसके ऊपर मैंने, इस पैटर्न के ऊपर गाइज मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, ओके। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो जाकर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल तरीके से समझाया है कि भाई स्टार्टिंग से मतलब इसमें क्या फंडा है ना। मैं यहाँ पर बताऊँगा तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, तो आप वहाँ पे जा करके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ पे जा करके इसमें जो इसकी जो वीडियो है उसको देखना है, और आपको वहाँ पर दो टॉपिक पे वीडियो थी है, तोकी वाले पे ही, तो आपको वहाँ पे जाकर समझ में आ जाएंगे दोनों पैटर्न, आपको पहले वाला पैटर्न भी याद आ जाएगा और ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो हमारा फिफ्थ पैटर्न है ई एडजेक्टिव प्लस कुशिमास, है ना। तो ई एडजेक्टिव को हमने क्या किया, ई हटा करके कुशिमास कर दिया। अब हमें अगर किसी एडजेक्टिव को नाउन में सॉरी वर्ब में चेंज करना है, किसी एडजेक्टिव को वर्ब में चेंज करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। लाइक यहाँ पर देखिए कि उरुसाई करा, कि बहुत नोइसी है, बहुत शोर शराबा हो रहा है, राजियो नो ओ तो ओ चीसाकु शिमास, तो चीसाकु मतलब चीसाई मतलब स्मॉल छोटा या फिर कम बोल लीजिए, कुशिमास मतलब कम करो, जो उसकी आवाज़ है ओ तो ओ चीसाकु शिमास उसको कम करो। तो हमें यहाँ पर जो चिसाई है वो एडजेक्टिव है, अब उसको हमें वर्ब में चेंज करना है कि कम करो, ज़्यादा करो, सफ़ेद करो, हरा करो, लाल करो, ऐसे, तो उनको आपको सीमास करके वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। अब उनका वर्ब में कैसे चेंज करना है, कि उनका ई हटा करके आपको सीमास ऐड कर देना है। लाइक यहाँ पर अकारुई करा देंकी नो हिकारियो युवा कुशिमास, कि जो अकारुई करा बहुत ब्राइट हो रही है, तो देंकी नो
अकारु देंकी नो तो देंकी नो हिकारी ओ युवाकुशिमास, कि जो लाइट की जो ब्राइटनेस है उसको, युवाई मतलब होता है वीक, तो उसको थोड़ा कम करो, मतलब वीक करो, थोड़ा सा ब्राइट है वो तो उसको थोड़ा वीक करो, ये कहना चाह रहे हो। ओके, अब यहाँ पर ना एडजेक्टिव का नाउन में कैसे, सॉरी वर्ब में कैसे चेंज करेंगे, तो ना का हमें आपको नी कर देना है सिर्फ, जैसे ऊपर ई का कू किया ऐसे ही यहाँ पे ना का नी कर देना है। लाइक मिन्ना दे सेकाई ओ हे वानी शिना किरबन अरिमासन, कि सबको जो वर्ल्ड, सबको मिन्ना दे सबको वर्ल्ड में, शेकाई ओ वर्ल्ड में, हेवा हेवा मतलब होता है पीसफुल, तो हेवा नी पीसफुल शिना किरबन अरिमासन, पीसफुल बनाना है सबको मिल करके, मतलब वर्ल्ड को पीसफुल बनाना है, ये कहना चाह रहे। नेक्स्ट है वाता शिवा मोत्तो करादा ओ जो बुनी शिताई देस, कि मैं थोड़ा जो अपनी हेल्थ है मतलब बॉडी है मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रोंग करना चाहता हूँ, जो बुनी शिताई देस स्ट्रोंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपको ऐसे इस पैटर्न का यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारा नाउन नी शिमास, अब नाउन के साथ हमें सिंपल क्या करना है, नी लगा देना है, नाउन नी शिमास। लाइक यहाँ पर क्या है कि कोरी ओ वाते हान बुन्नी शिमाश्ता, कोरियो वाते मतलब हो जाएगा आइस को तोड़ करके, वाते ब्रेक करके, हान बुन्नी शिमाश्ता मैंने उसको तोड़ करके आधा किया, हान बुन मतलब हाफ, तो उसको आधा किया, तो हान बुन नाउन है एक, उसको वर्ब में चेंज करने के लिए हान बुन निशिता, ठीक है। नेक्स्ट है कोनो काबे नो इरो ओ मोत्तो अकारु इनो नी शिमाशो, लाइक यहाँ पे कि कोनो काबे उस जो वो दीवार है उसका जो कलर है वो थोड़ा अकारु इनो नी शिमाशो, कि थोड़ा जो ब्राइट है वो करते हैं, तो अकारुई नो लगा दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं वो अकारुई नो अकारुई काबे, वो बोलना चाह रहे हैं अकारुई काबे, तो काबे हटा करके उन्होंने नो लगा दिया, तो अकारुई नो नी शिमाशो, ठीक है, कि उसको उसका जो कलर है उस पर पेंट जो है ब्राइट पेंट करो, वो कहना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्स पैटर्न से स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।